ज्ञान अभियान आपका अपना चैनल जिस पर आपका स्वागत है। हमारा शुरू से ही प्रयास रहा है कि आप खुद को यहाँ अपनी क्लासरूम की तरह महसूस करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। इन द फिगर, ये फिगर है, द साइड QR ऑफ ए ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस टू S, इसको S तक बढ़ा दिया गया। इफ द बायसेक्टर ऑफ PQR का बायसेक्टर है ना, ये बायसेक्टर मतलब इस ये एंगल और ये एंगल के आपस में बराबर है, एंड एंगल PRS मीट अ पॉइंट T, इसका भी ये बायसेक्टर, ये दोनों क्या हो रहा है, T पे मीट कर रहा है, देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है एंगल QTR ये वाला एंगल जो है हाफ QPR इस वाले एंगल का आधा है ना। तो चलो इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे होगा, लेते हैं सॉल्यूशन। लिख सकते हैं ये एंगल इक्वल टू ये एंगल प्लस ये एंगल है ना, एंगल पी आर एस इक्वल टू पी आर एस, एक्सटेरियर एंगल है किस वाले ट्रायंगल का, पी क्यू आर का है ना, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल क्यू प्लस एंगल पी, इट मीन्स एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड हाफ से तो क्या होगा, ठीक है, लिख सकते हैं इसको 1/2 एंगल पी आर एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर प्लस में 1/2 एंगल पी क्यू आर। अब ये एंगल हाफ पी आर एस, पी आर एस इसका आधा, हम इसके इस पूरे के आधे के लिए हम ये और ये बराबर है, तो एंगल टी आर एस लिख सकते हैं, एंगल टी आर एस लिख सकते हैं, लिख लिया। क्यू पी आर, क्यू पी आर यही रह जाएगा 1/2 एंगल क्यू पी आर और प्लस में ये जो है पी क्यू आर, पी क्यू आर इसके जगह पे हम इस वाले ट्रायंगल का ये लिख सकते हैं टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर लिख सकते हैं, और इसके आगे डाल देंगे 1। लेकिन क्या कह रहा है, बट एंगल टी आर एस, एंगल टी आर एस इक्वल टू एंगल टी आर एस, ये इक्वल टू क्या जाएगा, ये एंगल प्लस ये एंगल है ना, एंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर, ठीक है, इसको हमने दो मान लिया, लिखेंगे फ्रॉम 1/2। एक और दो से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये और ये आपस में बराबर है, इसका मतलब टी आर एस इक्वल टू ये और टी आर एस इक्वल टू ये, इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये आपस में बराबर है, तो लिखेंगे 1/2 एंगल क्यू पी आर प्लस में एंगल टी क्यू आर इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस में एंगल क्यू टी आर है ना। अब क्यू टी आर इधर भी, क्यू टी आर इधर भी, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे है ना, ये और ये कैंसिल, तो हो गया 1/2 एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, हमें यही प्रूव करना था है ना, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एंगल क्यू टी आर इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, हो गया प्रूव्ड। ज्ञान अभियान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।